लास्ट ही लास्ट है भाई। ऐसा क्यों? क्योंकि आज उसके कॉलेज का लास्ट दिन है। ऐसी बात है? यानी कि आज ही बोलना पड़ेगा? हाँ यार, कैसे करूँ, चल हिम्मत करके आज बोल ही दूंगा। बोल ही दो। अरे आली आली आज फिर क्या हो गया? चलो तुम अलग स्टूडियो। तू मेरे पास छह हंडे तेरे हाथ में आनी मैं, क्यों मेरे पास छह हंडे तेरे हाथ में आनी मैं, तुझसे पागल छोरा तेरे ते जानी मैं, हाय तुझसे पागल छोरा तेरे ते जानी मैं। गजेंद्र यादव ना इतना भोला जाने आग लगा दूं पानी में, ना इतना भोला जाने आग लगा दूं पानी में, अरे काटूंगा मरोड़ या कथारी ढाणी में, रे काटूंगा मरोड़ या कथारी ढाणी में। मिस्टर नाम है छोरे तन्ने काम नहीं, तेरा घमंड भी ना तोड़ा तो मिले मने आराम नहीं, रा तेरा घमंड भी ना तोड़ा तो मिले मने आराम नहीं, 24 घंटे फिर गण में छोरे तन्ने काम नहीं, तेरा घमंड भी ना तोड़ा तो मिले मने आराम नहीं, रा तेरा घमंड भी ना तोड़ा तो मिले मने आराम नहीं। तू सोच समझ के चाल कर दियो कुणबा घाणी में, पसंद है मने तू। अब मेरी पढ़ाई भी पूरी होगी, कर ले अपने माँ बाप से बात, अब चल जान दे मने। अच्छा बाय बाय, चल बाय बाय। अरे माँ, अरे माँ, तू ही लौंडिया दे, देखे कैसी है? अच्छी है। पप्पू देख, तुझे भी पढ़ी लिखी बहुत चाहिए ही ना, इस लोंडिया का फोटो देख, और ब्याह में ऐसे ही करूंगा, तब मानो या मत मानो, देख लो। और हाँ सुनो, अभी हिंदी फिल्म का डायलॉग मत मारियो, ब्याह तो इससे ही होएगा। दिखा गया ये लड़की, दिखा गया पढ़ी लिखी, पढ़ी लकड़ी भेड़े भट, ये लड़की दिखा गया पढ़ी लिखी शादी के लिए। अच्छा शादी के लिए, छोरी तो सुथरी से भाई, जब सुथरा ना मानता तो पढ़ते पाड़ा ले राम का नाम, अपो भुगता का जैसी करनी करेगा। लोटा हो गया खाली, अब चलेंगे मट्ठा लेन, नीम के पत्तों बनाना है राता, अब चलते हैं। हे लल्ली,
लाली है। मुझे ऐसा लगा कि ये घर घर में कोई दिखता ही ना, इनका साल होगा ना, ना, नाश का टेम है। दरवाजा मेरा खुल गया, तेरा ना कोई बोल रहा, ये तेरे ऊपर है कि कोई। यहाँ भी ना कोई काले में दौड़ा जरूर है। अब देखेंगे अंदर क्या थिएटर हो रहा है। लल्ली, ए लल्ली, अरे लल्ली कैसे बैठी? या तो रूस के बैठी, या गुस्से में बैठी, या कोई संकट में है, गड़बड़ है जरूर, पर चलो घर की इज्जत तो इन्हें ढकी रखी। पर बेटी मकान को हलारा मास्टर जी बदला मुझे क्यों मार रहा हल्लन नारा हल्लन नारा रहा। मेरा सांस निकलने को तैयार हो रहा, अगले को मजाक सूझ रही। अरे भैरे भट्ट, मैनू कहा लल्ली कहाँ है? है के कया घरवाड़ी कहा है? अभी बुला रहा श्रीदेवी। ओ श्रीदेवी, ले मका कहाँ मरगी? हाँ क्या बात होगी, क्यों शोर मचा रखा है? बात तो कुछ भी ना हुई, ये भाई साहब बुलावे थे। अरे मैं इसे ना बोला रहा था, मैं लल्ली को बोला रहा था। आई हाँ हाँ भेज रही हूँ, भेज रही हूँ। ठीक है भेज दे एक बार। सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, हाँ भेज रही हूँ। ठीक है, पर मजे नू बता या ओनी तू ओट में बैठा? ओनी ओट के क्यों बैठा? भा मास्टर जी, आज की बहु बहनी घूंघट काटती तो काटती नहीं, हमने जो सोची हम ही घूंघट काट के बैठ जा, घर की इज्जत तो डबी ढकी रहेगी। क्या मतलब? मतलब का तो ना भी बेरा बैठ जाएगा, थोड़ी बात हमें लो। हाँ जी डैड, बोलो। ए, के गया डेड पका मोहिया जी लेन दे हमें समाज में, क्यों मारा नवा ब्योग काटे? अब ढेर सुना ना तो ढेर ही सही। ए बढ़िया, एक लोटा छा जा, लाओ दो ला के दू। हाथ लग पा रहा जल्दी खराब कर दूंगी, मैं कति नरक बना दी। क्या बतानी हो आइयो राम, तुम हमें ठीक से पूजा भी नहीं करने देती हैं, चिल्ला रहा है। ये क्या दबाव आता? मेरा दबाव आ रहा था खेतों में गट्टा जाके, यहाँ की बच्चा आ रहा मेरे ऊपर करेगा गोबर। अयो आपा, अब पकाने नहीं अब थाने जाती, यानी रास्ता लंग माइंडेड। पुलिस थाने जाएगी, यू चौका रहेगा, लकड़ी खुराक देगी तुझे, जाते जाते अयो आपा ये हमको पागल कर देगी, यहाँ नहीं रहेगी, यानी रास्ता लंग माइंडेड। थाने जाएगी, क्या चला जा, सारा इंतजाम कर देंगे तेरा। ये लो मट्ठा। देख लिया था मन रहा, दुनिया बदल गई मास्टर जी। देख लिया, आई समझ में बात, जमाना बदल गया। अच्छा भाई हम तो चले। वो खोटे दे पुत्तर, स्टेप तो मिला ले मेरे नाल। ओए मिला तो रिया हूं, मैं कह रिया सी तू नहीं सुधरेगा, वाहे गुरु मेहर कर।
केजरीवाल की देखो, हम तो कसर कर रहे हैं। मगर इस घर में कहने नहीं गए, रहना तो ठीक ठाक रहो और तो। हेलो जी, कुर्ता पहन रखा, पजामा पहन रखा और सर ढक रखा, बस ही कौन सेक्सी बॉय बना रहे हैं। कम बोलो कम है, कविता मैं दारा सिंह बेटी लक्ष्मी, हे बेटी लक्ष्मी। अरे क्या हो गया, तुम्हें चाय ना मिली अब तक? अरे वाह, बोल गया, कहाँ गई लक्ष्मी? वह अपने कमरे में सो रही। ले काम कर या छाले नीम के पत्तों के राजा बना लिए बहु को दे भेज। पता नहीं यार आज करी बहु क्या हाल लगी, आठ नौ 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 बजे सो गए। मुख्य जन के है वो है? क्या हुआ डैडी? डैडी जी, हमारी शादी का पूरा एक महीना हो गया, अब साड़ी की क्या जरूरत है? ओल्ड फैशन। अच्छा ये बताओ कैसे लगी? चंगी जी चंगी। चुप, सरदार का बच्चा बेसम कहेगा। मैं तो कुछ भी नहीं बोला। विवेक जी बड़ी स्मार्ट है जी। मगा चुप हो जा, बहू को देखा जी काट रहे सारे कमरे खाली करवा दूँ आज ही। अरे डैडी जी, ये लोग तो अच्छे हैं, ये रहेंगे। अरे तू भीतर जा और शर्म कर ले कुछ, हम कह तू दुनिया को और फिल्म देख रहे हम हमारी बेटी कट। पुत्र की हुआ? आइयो आप, आइयो सरदार जी, जब हम अपने ऑफिस जाती तुम जानबूझ के हमारे सामने आती, यन्ना रसकल्ला माइंडिंग। ओ भूतनि दे पुत्र, मैं तनु कितनी बार दस्या सी, जब मैं काम में जाए ना तो तुसी मेरे सामने ना आया करो। आइयो आप, जब तुम्हारे घर में पीछे दरवाजा होती तो तुम उससे क्यों नहीं जाती जी? हां यन्ना रसकल्ला माइंडिंग जी, सरदार जी। ओए हम कोई चोर चुके सी जो पीछे के दरवाजे से जाएंगे और तू अपने घर में सुरंग बनवा ले उससे जाकर। अयो अप्पा, तुम ना एक हेलीकॉप्टर खरीद लो जी, उसमें फिर उड़ के जाती यन्ना रसकल्ला माइंडेड। ओए तो तू खरीदवा दे, हम काहे को खरीदवा दे, हमारे पास कुछ पैसा जी। तुम फेल लड़े लगे बीमारी के की है। ये खोटे का पुत्र बोल रहा है कि अपने घर में हेलीकॉप्टर खड़ा कर लो। किसके घर में? आपके घर में। मैं क्यों अपने घर में ठीक है, घड़ी अंगे कटोगे ना जो टूटा फूटा था रहा स्कूटर जो भी बाहर जागा। रतम कैसा कुथल न तैयार हो रहे थे? आइयो आप्पा, ये बोलती कि अपने घर में सुरंग बनाती है। के कया धरना धरती रा, धरना धरने को तो एक ही नौटंकी बतेरा, तम हिसाब कर लो। अरे ये मेंढक आज फेर कूद रहे हैं? के कया हम ही ना कूट रहे, कैसा प्रदान जा दिन में ही लगा लिखे। अरे भैरे भट्ट, मैं नू कह रहा हूँ, क्या बात होगी? हैं के कया रात होगी, फिर तो प्रदान जी तब ना पक्की चढ़ा रखी। ए गुरुजी, मगर क्या बात होगी? कुछ ना प्रदान जी, ये फेर लड़े लगे। अरे आराम से रह ले, घना सनो सरदार मत ना बने, निकल अपने काम पे। तुम जाती है, मैं तुझे छोड़ के आती। नहीं हम जाती, ये ना रसकल्ला माइंडेड। चलो रे अपने अपने घर को, यहाँ का तुम्हारी मेहतारी नाच रही।
है मेरे ससुरों ने गांव का माहौल खराब कर रहा था। डरावती मन ने जो मेरा हार्ट अटैक आ जाता। घबरावे ना, तुझे ना चढ़ा बुखार भी। आरती उतारती ये तो मने बेरा तू के चावे, पर तू बता दे यो बोझिया इस तख्ती सी में के देख रही। मन ने क्या बेरा, चल देखेंगे। जल्दी से आ जा। तेरे ये तो घर का नाश हो लग रहा, ये तो इन्हें देख देख के बालक बिगड़ लग रहे, इसे बंद कर दे। ठहर जा, मजा आ रहा देखने में। के कह रही छोरा कुवारा, तने बड़ा बेरा बावड़ी, देखे कैसा दोनों तो चिपटम चिपटा हो रहे। खाट के मैं करता ना कुछ डरता, ये लेकर जाना गलिया न्यूए पर क्या ताऊ सुरता। मेरा भाई सरदार पर है अकल तक बेकार, पैसे तो मुझे देनी पर पैसे उसको तो मेरे पड़ेंगे, क्या सोचती हो आइडिया। ये तो मामला गरम हो रहा कि करदार दे पुत्र पगड़ी उछलने तो पहले निकल ले। मेरे दादा कहंदे कि लोहा गरम हो चोट जब ही करनी चाहिए। पल्ले नहीं है घोड़ा, पलाम लंबा चौड़ा, चढ़ जा बेटा सुली पे। ओ पापी जी, आपका फिगर तो वैसे जीरो है, मिस यूनिवर्स बनना है जो योगा करती हो।
देख पप्पी मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तू चला जा यहाँ। ओ भाभी तुसी हीरोइन होंदी तो सारी हीरोइन की छुट्टी कर देंदी। प्लीज पप्पी मुझे तंग मत कर। ओ भाभी जी आपका पप्पी आपकी हेल्प के लिए हर समय तैयार है, आप आदेश तो करो। इस फोन को अभी खराब होना था, मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी थी। ओ भाभी जी मेरे पास दो फोन है, आप इसमें अपना सिम डालो और काम चलाओ। मेरा प्यारा पप्पी हाय। ओ भाभी जी प्यारा हूँ तभी तो आया हूँ। कोई खास खबर? ओ भाभी जी आपके ससुर के भाई को अपनी बहू पे बहुत गुमान है, वो उसकी असलियत नहीं जानता, अगर वे उसकी असलियत जान गए फिर तो फिर दिक्कत क्या है? ओ भाभी जी पैसे लगते हैं पैसे। पैसे बता पैसे कितने लगेंगे, पर उसका भांडा फूटना चाहिए। ओ भाभी जी 10,000 से कम क्या होंगे? रुक मैं भी लाके देती हूँ। ये ले पप्पी, ठीक है पूरे 10,000 है। ओ भाभी जी आपने की गल करनी है वो भी तो सुनो। क्या करना है बता फिर। भाभी जी सबूत मैं दूंगा, आपने करना है। अब भाभी जी इसी बात पे एक सेल्फी हो जाएगी जरूर। पहला चांद है कान सीधा पकड़ना पड़ेगा, करदार के बेटे पगड़ी न जुत्ती बात कोच ली उच्ची। क्या वो सुनो सरदार? ओ भाभी जी कैसा सुनो सरदार, मेरे पे है दित्कार। क्या हुआ? ओ भाभी जी आप इतनी सुंदर हो, स्मार्ट हो, आपका फिगर भी एकदम फिट है, संस्कारी हो और कितनी प्यारी हो, लेकिन भाभी जी आपके पड़ोसी पता नहीं क्यों आपसे जलते हैं। मतलब? आपकी जिठानी आपके बारे में पता नहीं क्या क्या कहती फिर रही है जी। क्या कहा उसने? ओ भाभी जी अगर मेरे हाथ में होता तो तक कभी ना कर देता, इस काम के पैसे लगेंगे पैसे। तो बोल कितने पैसे लगेंगे? ओ भाभी जी कम से कम 5,000 रुपए। रुक मैं लेके आती हूँ। मैं तू जानी ना मैं जाना, दिल यहू 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 कर गया, ना तू समझी ना मैं समझा, दिल यहू 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 कर गया। ले पकड़ अशु, काम तो पूरा हो जाएगा ना। ओ भाभी जी पर आपने भी एक काम करना है। क्या समझी? भाभी जी एक सेल्फी हो जाए। चल ले। मम्मी पापा चाय पी लो।
जाने लगे बड़ी ना के चाबी ब्रो उसी ना के ब्रो लक्ष्मी और काम करती है इतना गंदा शर्म नहीं आती तुझे आए हाय 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 नाम तेरा सुकन्या और काम करती है बारगल वाले मैं तू करती थी तू नाम का वाला लक्ष्मी काम करा कुलक्ष्मी हाय कुलक्ष्मी मना अठन्नी वर्गी जबान संभाल के बात कर मैं हवलदार की लड़की हूँ चाहे थानेदार की हो चाहे पहरेदार की हो तेरी सारी असलियत खोल कर धर दूंगी ज्यादा ना बोलना समझी क्या देख रहे इन्हीं दिन के बीच में कितने और झगड़े झगड़ा हो गया चलिए के बाद ये बेटी ने सभी क्या हो गया ये अपने आप को बहुत ज्यादा सत्सुतरी मानती है आज इसकी असली सबके सामने ला के रहूंगी तू नहीं लगना चाहती तू चुप हो मैं पहले भी मार मैं तेरे को कह रही तू चुप हो जा अरे मगर क्या बात होगी क्यों आप आगे थारे पे क्यों लड़ रही हो और कुछ नहीं या दिखा रही अपने बाप का रोब आज मैं सबने बता करूंगी या कितनी बिगड़ी हुई है के कया इसकी चुन्नी सुकड़ी हुई है सुकड़ी रहन दे फिर तू को वीरान हो रही है मेरे कर्म तो यही फूट गया कि मैं पैरों का पल्ला पड़ गई जरूर इसकी बहू ने छेड़ा होगा हमारी बहू ना है ऐसी हमारी बहू तो अच्छी है ए हमारी बहू भी ऐसी ना जो सबके फट्टे में हाथ देती भी है अभी दिखाती हूँ चाचा बांदरी वर्गी मुंह की ये देखो मम्मी जी इसकी फोटो पंक कितनी गंदी गंदी फोटो ए हीरोइन है देखो दो मिनट रुक अरे पाड़ ले पाड़ ले रुक जा पहले ये अपनी तो कर तुझे देख ले ए ज्यादा नहीं बोल रहा देखो इसकी नंगी ये फोटो देखो एक बार देख लो इसके करतूत मैं तो बहुत लड़ रही थी ना यार तेरा भला हो जा भाई गोवा में जाके अपने आदमी से देख ले अपनी मोहिडिया के करतूत गोवा में मौज लेती फिर ला देख ये तो फोन में लाई थी मतलब रियल में ले आई कुछ नहीं है ये क्यों नहीं दिखाती चल तू क्यों नहीं दिखाती अब क्या हो गया तू अपनी देख ये देख तुम मेरे को तुम मेरे को फेंक दे मुझे क्या है एमसी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम इन्नी कुत्ती बेटे बहुत हो लिया बहुत बेरानी बेरानी गाली दे ली तुमने यू क्या खाना से जोड़ रखा मैं भाई तुम्हारा खानदान कभी चैन से रह सके नहीं रह सकता जब देखो तब लड़ाई जब देखो तब लड़ाई कोई सा मानस चैन से रह सकता है नहीं रह सकता के कया प्रधान जी महाराज दूत बात सके या नहीं और के यहाँ आरती उतर रही रे तुम दोनों ही ना भीतर को ले जाओ के बोबो की ढाली सिर उघाड़े खड़ी है कतई शर्म लिहाज नो रही है इन्हें चल बेटी तू अंदर जा बेटी चल बहू चल चल छोड़ महा हराम है ये तो मैं हवलदार की लड़की हूँ देख लूंगी तुझे समझी चल बहू चल हाँ हाँ देख लूंगी तुझे मैं भी जमींदार की बेटी हूँ जमीन में गाड़ दूंगी तुम्हें लग रही पढ़ी लिखी बहू आनी चाहिए घर में पर तुमने पढ़ी लकड़ी ले ली पढ़ी लिखी तो ठीक है लेकिन संस्कार नाम की भी कोई चीज होए करे ना होए करे देखा कैसे बेशर्मों की ढाल आपस में भिड़ रही थी
के कया मारी बोलिया पिछली थी मारी बहू ने तो बराबर की टक्कर ली। प्रधान जी तुम तो जब आए जब सारी फिल्म का दी एंड हो लिया। बहरे चुप हो जा या अपने घर को चला जा। है के कया घर को जा चला जाऊंगा किसी की दाम में ना रहता। मास्टर जी तुम तो समझदार आदमी हो तुम्हें को सोच ले करो। प्रधान जी सोचना पड़ेगा शर्म थारी अच्छा नू हो रही लड़ाई भाई बहू तो कतई मलाई आ रही इनके घर में भाई अपने अपने नसीब हैं। एक महारे घर में आ रही हूँ भुंडी सी सकल की। सुकन्या ओ सुकन्या जल्दी सुकन्या किसी की मुराद इतनी जल्दी पूरी हो जा। अरे के बात हुई जान बता तो सही। कोई मुझे मारे मेरी इंसल्ट करे तो क्या तुम सहन कर लोगे? जो मेरे सामने कहे ना कतई सहन नहीं करने का। जो आपके पीछे करे तो? पीछे की बात छोड़ मैं इन पीछे वालों के मुंह ना लगे करता हूँ। शेर का बच्चा हूँ आगे से वार करूँ। जल्दी बताओ ना। इन पीछे वालों को तो मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। इन्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं बकसने का। सुनो तो, सुनो तो सही। तो जाओ लड़ो फिर। योद्धा रात में नहीं लड़ा करते सूरज निकलने का इंतजार करते हैं। लक्ष्मी देव तू नू ना करे मेरा गुदगुदी हो। हाँ पूछ क्या पूछना है। अगर कोई मेरी बुराई करे तो तुम उसके साथ क्या करोगे? लक्ष्मी तू है इतनी अच्छी तेरे बारे में कोई गलत बात कर ही नहीं सकता। फिर भी कोई करे तो समझ ले उसका दिमाग खराब है। कोई मेरी इंसल्ट करे या मुझे मारे तो करता के सारे के थाने में जाके FIR लिखवा दूंगा। थाने जा सकते मैं तो गांधीवादी आदमी हूँ पर जब तू कह रही है तो कुछ करना पड़ेगा। पर बात क्या हुई? कल पता है वो घर के बाहर कूड़ा फेंकी फिर उसने मेरी फोटो भी दिखाई सबके सामने मेरी बेइज्जती करी मारा भी मुझे। इतना मारा जल्दी से तुम जाके मारोगे देख लो। मैं बता रही हूँ कल कितना कुछ मम्मी से पूछो पापा से पूछो क्या कुछ नहीं हुआ कल कितना कलेश हुआ इतना ज्यादा कलेश। कोई बात नहीं तू सवेरी देखे मेरा कमाल। क्यों अब क्या हो गया तुम्हें? अब तो मैं बादाम का दूध पी के सोऊंगा और सवेरे को उसे निकालूंगा। सुबह तक तो सारी बात भूल जाएगा ये हो गया काम। यार खैर गली में तो कोई ना पर जो इनका पूरा घर आ गया ना लिपट के बेइज्जती हो जाएगी यार घनी। चल देखो इन्हें भी छोटू बाहर निकल। अरे क्या होगा भाई भाई किसे बोल रहा
तुझे बोल रहा और किसे बोलता भाई? आज तो भाई तेरा दुश्मन हो रहा, भाई के आज तो दुश्मन हो रहे हम तेरे। पर बात क्या हुई, कुछ बता तो सही। तेरी बहू ने मेरी बहू की बेइज्जती करी, अब क्या बात, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त। भाई नो तो तू गलत कह, मैं पूछ के आऊं। हाँ हाँ पूछे, इज्जतदार आदमी। क्या हुआ? अरे तन्ने भाभी की बेइज्जती क्यों करी? देखा दोनों मियां बीबी कैसे मेरे डर के मारे भीतर घुस गए। ओ गुल्ली, तेरी बहू की इतनी हिम्मत जो मेरी देवी जैसी बहू की बेइज्जती करी। चल मैदान में, तुझे भी बेरा पार चलो। अरे चल, देर से कौन डरे है, ऐसे तो छुट्टे सिर पे चढ़ जाएंगे मारे। इतनी हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। अरे ऐसे तो तुम इतने बड़े शेर ना हो, मारना। अरे कोई नू कहेगा बड़े भाई पे हाथ ठा दिया। अरे मैं नू कह रहा हूँ, कोई नू कह देगा छोटा पीट दिया। तू हाथ लगा के दिखा, तू लगा दिखा पहले। छोटे तुझे तो पता ही लड़वाना चाह रही है, पर हम ऐसा होना तो नहीं थे। समझ मेरी बात, कुछ ना कुछ ड्रामा देख कर ऐसी ना। छोटे हम तो एक हम तो भैया हैं। भाई है भाई, हम तो मम्मी जी, शुरुआत तो इन्होंने करी थी, ये तो आज फैस लग रहे करंदा तू। बेटी लड़न दे इन्हें, ठीक है फिर। यार अब वाहे गुरु दी फतेह, अब तो मैंने बीच बचाव करना पड़ेगा। अयो राम, अब हमें ही कुछ करना पड़ती जी, यन्ने रस का लंबा इंजर जी। थोड़ी सी देर में जी बाहर आ जाती तेरी। यार गलती हो गई, और हमारी अयो राम हमको मत मारो, हमको चोट साड़ो, अब आए खूड में। साड़ो आप कैसे ना, इस बावड़े खानदान से दूर रही हो, मोड़ देंगे सामने। अयो सरदार जी, हम तो इन बावड़ों के खानदान में गलत फंस गए जी। अयो अब्बा बहुत मारा जी, यल्ला रस का लंबा इंजन जी। रब मैर कर। अयो राम हमको कितना मारा, हमारी बैक बोर्ड में भी बहुत दर्द होता जी, यान्ना रस का लंबा इंजन। गल सुन, मैं तेरा दुश्मन ते तू मेरा दुश्मन, हैं दुश्मन दुश्मन दोस्त हो जान दे। सरदार जी हमको इस बात में कुछ गड़बड़ लगती जी, यान्ना रस का लंबा इंजन जी। ओए खुट्टे दे पुत्तर, टाइम देखना चाहिए। अभी हमारे फोन में 12 बजे, अभी थोड़ा रुको, अभी टाइम खराब है जी, यान्ना रस का लंबा इंजन। ओए मेरा मतलब है दोनों ने पिटाई तो बदल लेने सी। हमको कोई देखता तो नहीं जी, हमको बहुत डर लगता जी। ओए मैं हूं ना, तनु कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर पहले तुम ही होती जी, तुमको भी बहुत मारा जी, यान्ना रस का लंबा इंजन। ओए साड़ी गल सुन। बोलो जी। दोनों प्लान बना दे। आप बताओ जी। बहुत अच्छा जी,
यंदा रस कल्ला माइंडेड चलो देखो भाई मास्टर जी, मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है भाई, आगे से तुम दोनों ने आपस में झगड़ा करा तो थाने में जाकर मैं तुम दोनों की रपट लिखवा दूंगा। के कया खाने में जहर मिला दूंगा। प्रधान जी मैं तो घर तक खा का आया, तुम दोनों कहने लगे इस मारे दो पैक ले लिए। अरे बेरे प्रधान जी करेंगे, तुमने झगड़ा करा तो पुलिस को बुला लेंगे। ये कया पुलिस बुला लेंगे, हमने तो भाई यूं सुनी थी अब अंची पुलिस बुला लेगी। यूं तो पहली बार सुन रहे हैं कि ये प्रधान जी पुलिस बुलावेंगे, पर दोनों कान खोल के सुन लियो, यूं ताव वगैरह भी यूं ही चल लेगा। गुरु जी तुम तो समझदार आदमी हो, तुम ही समझाओ कुछ इसे। तुम दोनों भाइयों को आपस में प्रेम भाव में रहना चाहिए। मैं समझ गया प्रधान जी, आ गया नो 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 बटना आवे के कया गाना न गान देने का। प्रधान जी दारू तो हो थारी बे सकता, ये जुबान तो मारी, इस तो हम कुछ भी काम है। अरे बहरे मैं झगड़े की बात कर रहा हूँ। झगड़ा किसका हो गया झगड़ा? अरे रोज तुम्हारे झगड़े हो गए और किसकी हो गए हैं झगड़े? प्रधान जी ये तो हमारा रोज का काम है, जब हमारा ब्यों की बिगड़ खानदान है। देख लो मास्टर जी तुम इन्हें
के देख लेगा, यू तो मेरा भाई है। तेरे भाई याद ना, बारह बड़े बुड्ढे के कहे करे थे, अगर आपस में तुम्हें कितना ही लड़वाओ, आपस में सलूकता रही हो, यू बरदान हमें लड़वा देगा, मार साले के। ठीक कह रहा, मार। या प्रधान जी, तू मारना फूट जाएगा इतनी इतने के जेल आज तक क्यों ना? अरे मुझे छोड़ दो बिगड़े खानदान को, अरे छोड़ दो, अरे मार दिया, अरे मार दिया। साले पीट के भाग गए, देख लूँगा तुम्हें मैं। आइए लल्लन जी, आइए अम्मा बाबी, बाहर आती, देखो हम तुम्हारे लिए क्या बना के ला दी, तुमको बहुत अच्छा लगती, यानी रसगुल्ला मैंने सांबर जी, डोसा जी खाती। वो दोनों बाहर गए हैं। मार के जाती, ये तो अच्छा मौका होती मैडम को पटा देती। हम आपके लिए डोसा बना के लाती। आप भी तो हमारी बेटी जैसी अयो अम्मा, हमको बहुत बुरी लगती जी। पर कौन है? अयो आप, हमको सच्ची बहुत बुरी लगती जी। कौन? पर ये तो बताओ। वही बात जी। कौन सी बात है? अयो आप जो हमें सरदार जी ने बोलती जी। क्या बता सरदार ने तुम्हें? बहुत अच्छा होती जो हमने ओवर एक्टिंग नहीं करती जी, वरना जब भी लाइफ में हमने एक्टिंग करती तो ओवर हो जाती। यन्ना रसकल्ले <नहीं। laughs> ये तो बड़ा अच्छा मौका है, छोटू की मम्मी मेरी सास तुझे भी छोटी कर देगी। बेटी क्यों दुखी हो रही है, रहन दे तू। इस पर दुखी होने वाले क्या बात है मम्मी जी, बड़ों की सेवा करके तो मेवा मिला है। बेटी बहुत अच्छी, तेरे जैसे बहू कहीं ना मिले मुझे। पर मम्मी जी कुछ लोग तो गलत सोचते हैं ना। ऐसा क्या हुआ बहू? अच्छा एक बात बताओ मम्मी जी, क्या मेरी नाक भंडरिया जैसी है? नहीं बेटी, कौन कह रहा है। क्या मेरे कान गधी जैसे हैं? नहीं तो। क्या मेरी आंख कुतिया जैसी है? नहीं नहीं। क्या मेरा रंग भैंस जैसा है? नहीं तो। क्या मेरे बाल घोड़े की पूंछ जैसे हैं? नहीं तो। और हाँ, क्या मैं गुस्से में ताड़का जैसी लगती हूँ? नहीं तो। मम्मी जी, क्या मैंने अपने फैशन के चक्कर में अपना घर का नाश कर लिया? नहीं नहीं बेटा, क्या बात है बता। छोटू की मम्मी किसी तक कह रही थी कि मैं बिल्कुल अपनी सास जैसी लगती हूँ। अच्छा ये बात है, सुनाने के लायक मैं झाड़ू नहीं जाता। अच्छा मैं भी श्रीदेवी हूँ, श्रीदेवी। आज पड़ेगी मेरे कालजे को ठंडक, आज तो यह मोटी पिटा ही पिटा, और बाकी इस बावले कुनबे की दुर्गति देखियो अगले भाग में, तब तक करो वेट। जयराम जी की।